Today, my lecture is especially those young professionals, lawyers, who are dreaming to become a judge in Pakistan. जो ख्वाब देख रहे हैं कि जज बन के वो ब्लैक कोट प्रोफेशन में एक्सेल करेंगे. पाकिस्तान में जजेस तीन स्टेजेस पे इंडक्ट होते हैं. मेरी कोशिश होगी मैं वो तीनों स्टेजेस को एलेबोरेट करूं और आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करूं कि आप किस तरह से अपने ख्वाब को पूरा होता देख सकते. नंबर वन, सिविल जजेस के लेवल के ऊपर जी इंडक्शन होती है. थ्रू पीसीएस जुडिशियल, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. नंबर टू, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस. एंड नंबर थ्री, हाई कोर्ट. So, तीन स्टेजेस हैं, सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट. ऑल्दो देयर इज अ प्रोविजन कि अगर आपकी 15 साल प्रैक्टिस है हाई कोर्ट में तो डायरेक्टली आपको एलिवेट किया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आमतौर पे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ही एलिवेशन होती है. टेकिंग वन बाय वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, how to become a civil judge or the judicial magistrate. वकालत करते हुए जब आपको 2 साल हो जाते हैं, यानी LLB आपने क्वालिफाई किया, किसी सीनियर के साथ 6 मंथ्स का अप्रेंटिसशिप पीरियड आपने मुकम्मल कर लिया, आपको प्रोविंशियल बार काउंसिल से लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मिल गया. जब आपने 2 साल अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली तो नाउ यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन पीसीएस जुडिशियल एग्जामिनेशन. अच्छा, पीसीएस जुडिशियल एग्जामिनेशन इम्पॉसिबल नहीं है. लोग, यंग लॉयर्स मेरे से डिस्कस करते हैं कि मुश्किल है. मुश्किल भी नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं होता, बिशर्ते कि वो आता हो आपको. जिसको ड्राइविंग नहीं आती उसके लिए ड्राइविंग बहुत मुश्किल है, जिसको आती है उसके लिए नहीं. जिसको तैराकी नहीं आती उसके लिए तैरना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए आसान है. सो बेसिकली अपना आपको ये बताने से पहले कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं. लास्ट टाइम पीसीएस जुडिशियल में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3,000 कैंडिडेट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, यंग लॉयर्स एंड फीमेल लॉयर्स, दे अपीयर्ड. आउट ऑफ 3,000, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, जस्ट 26 क्वालिफाइड रिटर्न. बाकियों का माजरत के साथ मेरे कोलीग्स, ख्याल था कि उनको लॉ आता है और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी या किस यूनिवर्सिटी से LLB क्वालिफाई किया हुआ डिग्री है और उनके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लेकिन रिटन क्वालिफाई नहीं कर सके. और 26 लोग फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए और उनमें से जस्ट 22 वर अपॉइंटेड. अब 3,022 की रेशियो जरा सामने रखकर आपने तैयारी करनी है. और यही मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहा करता हूं कि 18 सवालों को रट्टा मार के LLB की डिग्री हासिल करने का कोई फायदा नहीं है. उसके लिए तो जो लॉ कॉलेजेस हैं, दे आर नर्सरीज फॉर बार एंड बेंच. मैं अक्सर कहा करता हूं ये नर्सरीज है. सो आपने राइट फ्रॉम स्टूडेंट एज रिसर्च करनी है, आपने असाइनमेंट्स बनानी है. सिर्फ ये गाइड्स और 18 सवालों को, 20 सवालों को रट्टा मार के LLB करना, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. और ये प्रोफेशन तो है ही स्किल्स का प्रोफेशन. सो आपने रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करना है केस लॉ के साथ. अच्छा जी, आगे चलते हैं. आपके टोटल 2.5 साल यानी 2 साल प्रैक्टिस करते हो गए.
तो आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने अप्लाई कर दिया। फिर 7 पेपर्स हैं जी, उसमें लॉ भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, मार्केट में काफी अच्छी बुक्स हैं। मैंने अक्सर यंगस्टर्स को देखा है, बड़ी आम सी बात लगेगी लेकिन ये बड़ा कंसर्न है, डेली न्यूज़पेपर मैंने मेजॉरिटी को देखा नहीं पढ़ते, हालांकि हमारे घरों में भी आता है, बार में भी होता है, बार रूम में भी होता है, ओवर चाय का कप पीते हुए, कॉफी पीते हुए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़े, 9 बजे का खबरनामा देख ले, जनरल नॉलेज आपका खुद बहुत ठीक हो जाएगा। लिटरेचर, किताबों से आदमी बहुत कुछ सीखता है। किताबों, लिटरेचर पढ़ने का फायदा क्या होगा कि आप इंग्लिश और उर्दू का ऐसे जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दे सकेंगे। एनीवे, 7 पेपर्स जब आप क्वालिफाई कर देते हैं पीसीएस जुडिशियल के, तो देन आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, और वो इंटरव्यू जो है उसमें वो आपको लॉ के मुतालिक और जनरल आपकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ये तो है जी पहली स्टेज जहां इंडक्शन होती है पाकिस्तान में सिविल जज के तौर के ऊपर, और सिविल जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आप अपॉइंट हो जाते हैं। दूसरी जो है जिस स्टेज पर इंडक्शन होती है पाकिस्तान में, वो है जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। सर अगर आप जरा सा बड़ा को आप देख रहे हैं तो फिर सिर्फ यहां फोकस ना कीजिए प्लीज। बेशुमार ऐसे इलस्ट्रेशंस मेरे सामने हैं कि जो लोग सिविल जज पीसीएस जुडिशियल क्वालिफाई नहीं कर सके थे, लेकिन 10 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर्स मिनिमम एज चाहिए प्रैक्टिस करते हुए, सॉरी प्रैक्टिस की का एक्सपीरियंस आपको 10 ईयर्स चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के पेपर देने के लिए। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं, उन्होंने पीसीएस जुडिशियल क्वालिफाई नहीं किया लेकिन उसके बाद उन्होंने फोकस होकर अपनी नॉलेज पे तवज्जो दी, स्किल्स इंप्रूव की, नॉलेज इंप्रूव किया, और रिटर्न यहां क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके आज वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस बैठे हुए हैं। सेकेंड स्टेज में आपको, जैसे मैंने आपको बताया है, 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए जी। 10 साल आपने प्रैक्टिस की हुई हो तो आप फिर रिटर्न के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी तरीका वही है कि रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद डायरेक्टली वो आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। जरा मेरी बात को सोचिएगा प्लीज, अकेले बैठ के। जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि ये पीसीएस जुडिशियल या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के इम्तिहान ये आउट ऑफ कोर्स पेपर आ गए, ये आउट ऑफ कोर्स कोई पेपर नहीं होता, वो आपके नॉलेज से, आप समझते हो कि वो नॉलेज से ज्यादा तो आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ पैटर्न जरूर हो सकता है, आउट ऑफ कोर्स तो कोई चीज होती नहीं है, लॉ से पेपर आना है। अब जरा ये भी तो सोचिएगा कि पीसीएस जुडिशियल एक पॉइंट ऑफ व्यू से अब सीएसएस से ज्यादा एट्रैक्शन रखता है। कैसे? पहले दिन आपकी अपॉइंटमेंट के बाद है सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट 100,000+ से तो वो आपकी सैलरी शुरू करते हैं, पहले दिन से वो आपको नई कार दे देते हैं, तो क्या उनका जुडिशरी का, हाई कोर्ट का इतना प्रेरोगेटिव भी नहीं है कि वो कंपिटेंट लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करें? तो काइंडली ये जो कंप्लेंट सेल है ये ना बनिए। मैं बड़े अच्छे कोलीग्स की तरह जितना भी मेरा लाइफ का हम्बल सा एक्सपीरियंस है, मैं इस एज ग्रुप को डील करते हुए मुझे तकरीबन मोर देन 3 decades हो गए। मुझे, मेरे सामने स्टूडेंट आके क्लास में बैठता है, मुझे पता होता है कि ये इस साल यूनिवर्सिटी टॉप कर जाएगा, उसके बाद पीसीएस जुडिशियल भी कर जाएगा, और ये बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर बनेगा, और ये एंड पे आके अपनी किस्मत को कहेगा कि मेरी किस्मत में तो कोई लकीर अच्छी थी ही नहीं। सो काइंडली ये कंप्लेन करने की बजाय कि जनाब बहुत सख्त एग्जाम है, अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि जहां से मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप वो क्वालिफाई करें। एनीवे, ये दो तो तरीकेकार ये हो गए सिविल जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। अब आइए जी हाई कोर्ट, जिसके लिए बजाहिर ना कोई टेस्ट है और ना इंटरव्यू है, बजाहिर कह रहा हूं।
जब आपकी अच्छा हाई कोर्ट के जजेस दो तरीके से आते हैं, एक तो वो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस बन जाते हैं, तो जब भी एलिवेशन के लिए लिस्ट जाती है तो चीफ साहब जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनके नाम भी भिजवाते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और दूसरी, जब आपकी प्रैक्टिस 10 साल हो जाती है तो आपका नाम एलिवेशन के लिए भिजवाया जा सकता है। मैंने अभी आपसे एक बात की कि बजाहिर, और ये गिला भी है एक खामखा का कि जी कोई टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिविल जज के लिए है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए है, हाई कोर्ट के लिए ना कोई टेस्ट है और ना कोई इंटरव्यू है। नो 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 नो, बिग नो, कैपिटल नो। जिस दिन आप काला कोट पहनते हो, पावर रूम में एंटर होते हो, आपके ऊपर एक खामोश कैमरा लग जाता है। आपका टेस्ट तो पहले दिन से ही शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, आपकी कोई ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, ठीक है, उस तरह से एक टिपिकल स्टाइल में 3 घंटे का पेपर नहीं लिया जा रहा, लेकिन वो तो 10 साल की आप एग्जाम से गुजर रहे होते हो कि किस तरह से आप ड्रेसअप हुए हो, आपने अपने अपोनेंट लॉयर को किस तरह से डील किया है, आपने कोर्ट को किस तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड की है, आपने सीनियर को अच्छे तरीके से उठ के खड़े होकर अपनी कुर्सी पेश की है, आपने सीनियर को सलाम किया है, आप रिस्पेक्टफुल हो कोर्ट के सामने, आप रिस्पेक्टफुल हो अपने अपोनेंट लॉयर के सामने, ये इम्तिहान नहीं है तो और क्या है। जब 10 साल आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो चीफ साहब, फिर वो सफेद वर्दी वाला एक बंदा आता है पीएन, वो कहता है जी चीफ साहब ने आपको सलाम बोला है, उस दिन के लिए फिर हम सारे वेट कर रहे होते हैं। फिर आप जाते हैं और तो चीफ साहब बड़े इनफॉर्मल अंदाज में रिटायरिंग रूम में आपको बैठ के आके कहते हैं कि बड़े पैसे कमा लिए हैं, बड़ा नाम कमा लिया है, अब रोस्टम के इस तरफ आके तो देखिए कि जिंदगी कैसी है और कुछ खिदमत भी कीजिए। इसका मतलब है कि वो आपको सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं टू बिकम द जज ऑफ द हाई कोर्ट, एलिवेशन जज ऑफ द हाई कोर्ट। और अगर लोग कहते हैं टेस्ट नहीं है, अगला टेस्ट फिर शुरू होता है कि आपका फाइल वो 4 एजेंसीज को भिजवा दी जाती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI एंड स्पेशल ब्रांच, और वो लोग फिर आपकी सारी रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव कर दे, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहने देंगे, उसके बाद आपका नाम चला जाता है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, फिर जुडिशियल कमीशन का एक प्रोसेस है, और उसके बाद सदर पाकिस्तान इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द जज ऑफ द हाई कोर्ट। और सबसे पहले वो एडहॉक जज, यानी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए वो आपको एडहॉक जज बनाते हैं, और फिर आफ्टर 1 ईयर्स आपकी जजमेंट और परफॉर्मेंस देखते हुए वो आपकी कंफर्मेशन कर देते हैं। यही मैं एक बात करना चाहूंगा कि द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज द अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट एंड एलिवेशन ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, बट ही कैन नॉट टर्मिनेट, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मसला होता है। उसके लिए अगर किसी जज साहब पर अगर कोई एलिगेशन है, कंप्लेंट है, तो फिर उसका एक और तरीकेकार है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का अलग से आईन में दिया हुआ है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जज अपॉइंट करने का अख्तियार है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बट उनकी टर्मिनेशन का अख्तियार आईन ने उनको नहीं दिया हुआ, जस्ट टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। So, my dear young lawyers and students of law and dear colleagues, these are the 3 ways how you can become a judge. आप पर है कितना बड़ा ख्वाब देखते हैं। सुजुकी का ख्वाब देखे तो सुजुकी ही मिला करती है, मर्सिडीज का जब तक या BMW को ख्वाब नहीं देखोगे वो नहीं मिलेगी। सो आप पर है कौन सा ख्वाब देखना है, ये वाला सिविल जज, एडिशनल या जज ऑफ द हाई कोर्ट। विद दिस आई विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।